नमस्कार मैं अमित सिंह योग परामर्शदाता उत्तर प्रदेश राजेशन मुक्त विश्वविद्यालय से आज हम स्वास्थ्य विज्ञान विद्या शाखा के साथ योग विषय चल रहा है उसी में आज योग के जो क्रियात्मक प्रयोगात्मक पक्ष है आज हम उसकी बात करेंगे और उसके कुछ अभ्यास भी करेंगे कि योग का हमारे जीवन में आसन प्राणायाम मुद्रा बंध का क्या लाभ हैं ये एक सीरीज चालू कर रहे हैं जिसमें आज का जो विषय है वो है आसन तो सबसे पहले योग के जो प्रथम आदि वक्ता थे वो महादेव आदि देव को माना जाता है तो सबसे पहले उनको प्रणाम करते हुए आज के हम योग अभ्यास चालू करेंगे सदाशिव समारंभाम शंकराचार्य मध्यमाम अस्म श्री गुरु परियंताम वंदे गुरु परंपरा योग की गुरु परंपरा को प्रणाम करते हुए आज के हम अभ्यास करेंगे तो सबसे पहले योग के जो विषय आए वो महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन में बताए किस तरीके से हम तीनों प्रकार के जो दुख है आदिदैविक आदि भौतिक और आध्यात्मिक इनसे कैसे मुक्ति पाएं? इसकी खोज में हजारों सालों से लोग लगे रहे विभिन्न प्रकार के दर्शन आए उपनिषद आए किस तरीके से हम दुखों से मुक्ति पाएं? उसी में महर्षि पतंजलि द्वारा दिया गया एक मार्ग है जिसे अष्टांग योग कहते हैं इसमें यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि महर्षि पतंजलि कहते हैं इस मार्ग को अपनाते हुए हम विभिन्न प्रकार के दुखों से निकल सकते हैं हमारी बुद्धि तीक्ष्ण हो सकती है हमारे अज्ञान दूर हो सकता है तो आज हम अष्टांग योग के जो पक्ष है आसन आज उसकी बात करते हैं महर्षि पतंजलि जी कहते हैं आसन के बारे में स्थिर सुखम आसनम जिस स्थिति में हम स्थिर होकर एक समान रूप से बैठ सकते हैं बिना किसी श्रम के वही आसन होता है इसको करने के लिए वो कहते हैं प्रत्न शैथिल्य अनंत समापत्ति भ्याम पहले हम प्रयत्न करते हैं फिर उस स्थिति को शैथिल्य करते हैं और अपना मन अनंत में लगाते हैं तो उस स्थिति में हमारा शरीर ईश्वर के साथ एकात्म महसूस करता है अनंतता के साथ अपने को जोड़ता है तो हम विभिन्न बाधाओं से बाहर जाते हैं तो सबसे पहले आसन शुरू करने से पहले ज़रूरी होता है कि हम सूक्ष्म व्यायाम करें सूक्ष्म व्यायाम से क्या होता है जितने भी हमारे सूक्ष्मंग हैं जितने भी जोड़ हैं इनमें लचीला अपनाता है ब्लड का सर्कुलेशन होता है जिससे जो भी हम आसन करेंगे उसमें कोई कठिनाई महसूस नहीं होगी तो अब सबसे पहले हम सूक्ष्म व्यायाम के अभ्यास चालू करते हैं सबसे पहले हम गर्दन से शुरू करते हैं जब भी योग के अभ्यास चालू करेंगे श्वास भरते हुए हमेशा ऊपर की तरफ जाते हैं छोड़ते हुए नीचे की तरफ जाते हैं जितनी बार ऊपर की तरफ जाएंगे उतनी बार नीचे की तरफ जाएंगे क्योंकि योग क्या है संतुलन स्थापित करना ना ज़्यादा कड़ा न ज़्यादा ढीला और देखिए क्या होता है हमारी छह अवस्थाएं होती हैं ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे सामान्य अवस्था में जब हम जीवन जीते हैं तो बहुत ज़्यादा ज़्यादा आगे झुकने के बहुत से अभ्यास होते हैं पीछे नहीं होते दाएं बाएं नहीं होते ऊपर होता है तो नीचे नहीं होता इससे शरीर में कड़ापन आने लगता है तो शरीर में ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से काम नहीं करता जिससे हमारी जीवनी शक्ति कमज़ोर पड़ जाती है तो योग का जो मुख्य लक्ष्य है जो आज की समस्याएं चलती हैं विभिन्न प्रकार की बीमारियां आती हैं इनका मुख्य कारण ये है कि शरीर में कुछ ऐसे तत्व तो पड़े हैं जिनको शरीर की आवश्यकता नहीं है तो आसन करते हैं प्राणायाम करते हैं इनसे ये विषक्त दिव्य शरीर से बाहर जाते हैं टूटते हैं और हमारी जीवनी शक्ति फिर से मजबूत होकर काम करने लगती है जिससे ये सारे वायरस कीटाणु सब नष्ट हो जाते हैं क्योंकि शरीर के अंदर बहुत से ऊर्जा के केंद्र हैं उनमें बहुत से पावर निहित हैं तो सबसे पहले हम सूक्ष्मयाम करेंगे गर्दन से शुरू करते हैं श्वास भरते गर्दन ऊपर पूरा ध्यान अपना भूमध्य पर दोनों भू के बीच श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे बीच में और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे श्वास भरते धीरे धीरे बीच में और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे पीछे फिर श्वास भरते धीरे धीरे बीच में और छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे पूरा ध्यान अपने कंठ प्रदेश पर श्वास भरते धीरे धीरे ऊपर अब अपने दाई तरफ अपनी गर्दन को लेके जाएंगे श्वास छोड़ते हुए श्वास भरते धीरे धीरे बीच में और श्वास छोड़ते दूसरी दिशा फिर श्वास भरते धीरे धीरे बीच में और श्वास छोड़ते दूसरी दिशा श्वास भरते हुए धीरे धीरे बीच में और छोड़ते हुए दूसरी दिशा पूरा ध्यान अपना शरीर श्वास मन तीनों को एक लय में रखना है श्वास भरते हुए बीच में अब अपने कान को अपने कंधे से स्पर्श कराएंगे ढीला छोड़ दें श्वास भरते धीरे धीरे ऊपर और श्वास छोड़ते धीरे धीरे विपरीत दिशा फिर श्वास भरते धीरे धीरे ऊपर और श्वास छोड़ते दूसरी दिशा श्वास फरते धीरे धीरे ऊपर और श्वास छोड़ते दूसरी दिशा विश्राम धीरे से गर्दन की मसाज कर सकते हैं अब दोनों हाथों को अपने कंधे पर रखेंगे आपस में जोड़ेंगे श्वास भरते धीरे धीरे कंधे ऊपर और श्वास छोड़ते नीचे पूरी सजगता के साथ करना है फिर धीरे धीरे श्वास भरते ऊपर और श्वास छोड़ते धीरे धीरे नीचे ऊपर और धीरे धीरे नीचे इसी तरीके से पीछे से श्वास बढ़ते ऊपर और श्वास छोड़ते नीचे अब हाथों को सामने पूरी श्वास को बाहर छोड़ना है हमारे श्वास के माध्यम से नब्बे परसेंट टॉक्सिन शरीर से माध्यम बाहर जाते हैं दस परसेंट मात्र मलबूत के माध्यम से जोड़ों का करेंगे पंजे आगे पीछे सूक्ष्म व्यायाम हमें अगले आसनों के लिए तैयार करता है अंगूठा अंदर मुट्ठी बंद गोल गोल घुमाते जाएं दूसरी दिशा से पूरा ध्यान शरीर श्वास मन पर पूरे हाथों को करेंगे हम अपने फेफड़ों को वाइब्रेट करेंगे सबसे पहले दोनों हाथों को बगल में लेके आए विश्राम आंखें बंद करें पूरा ध्यान अपनी श्वास प्रश्वास पर, स्वास पर। अब हम डायफ्राम के ऊपर के भाग को वाइब्रेट करेंगे विश्राम तीसरे ऊपर के भाग को आंखें बंद पूरा ध्यान श्वास प्रश्वास पर शरीर श्वास मन तीनों को एक लयबद्धता में लाना भी योग का लक्ष्य है अब हम अपने पेट को कैसे वायु? हमारे पेट में बहुत से आर्गन रहते हैं जो पाचन संस्थान को सुचारू रूप से चलाते हैं अगर ये अंग सही से काम नहीं करते तो पाचन बहुत अच्छे से नहीं होता जिसके कारण से ब्लड सर्कुलेशन ठीक नहीं रहता हृदय गतियाँ ठीक नहीं रहती हैं और हमारा मन भी ठीक नहीं रहता जब पाचन ठीक नहीं रहता अब हम वो पेट को कैसे सुचारू रूप से सकुंचित प्रकुंचित करें कि जिससे हमारे जितने अव हैं वो फिर से सही से गति से काम कर सकें इसके लिए दोनों हाथों को बगल में ले जाएंगे श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर दृष्टि अपने दोनों हाथ के हाथ पर ध्यान अपनी नाभि पर सकुंचन प्रकुंचन करेंगे जब हाथ ऊपर जाएंगे श्वास लेंगे और नीचे जाएंगे तो छोड़ेंगे विश्राम आके बंद, पूरा ध्यान अपनी श्वास प्रश्वास पर, स्वास पर। वह फिर से करते हैं दोनों हाथों को ऊपर धीरे हाथों को नीचे लाएंगे जब ध्यान हम अपनी नाभि पर रखते हैं संकुचन प्रकुंचन करते हैं तो पूरे अंग वाइब्रेट करते हैं जिससे जो भी मल होता है शरीर तो से छूटता है अब हम करते हैं अपनी कमर को कैसे विश्राम दें उसमें कैसे लचीलापन लाएं क्योंकि कमर रीढ़ की हड्डी जितनी लचीली रहती है हमारा पूरा सिस्टम उतना ही अच्छा काम करता है तो सबसे पहले एक हाथ दूसरे घुटने पर और दूसरा हाथ पीछे की तरफ गर्दन पीछे की तरफ ले जाते हुए श्वास छोड़ते हुए जितना पीछे ले जा सकते हैं ले जाए श्वास बढ़ते धीरे दिर धीरे बीच में आएंगे और श्वास छोड़ते हुए दूसरी तरफ से बाएं पंजे पर बाएं घुटने पर अपना दायां हाथ का पंजा रखेंगे दूसरा हाथ पीछे गर्दन पीछे दूसरी तरफ से फिर से एक बार करेंगे पूरी सजगता के साथ छोड़ते हुए पीछे दूसरी तरफ से इसकी दूसरी अवस्था एक हाथ जमीन पर रखेंगे दूसरे हाथ को खींच के आगे की तरफ लेके आएंगे जितना खींच सकते हैं दूसरी तरफ से श्वास छोड़ते हुए फिर एक बार दूसरी तरफ से पूरी लयबद्धता के साथ शरीर श्वास मन तीनों एक लय में एक बार फिर से हम धीरे से अपने पैरों को फैला लेंगे आगे की तरफ पीछे आगे, पीछे आगे खोलें बंद करें अब एक पैर को हाथ पे लेके कमर का जो जोड़ है उसका मूवमेंट्स करेंगे पूरे शरीर में सूक्ष्म व्यायाम का लक्ष्य है पूरे शरीर में रक्त संचार अच्छे से होने लगे दूसरे पैर से करेंगे पूरा ध्यान कमर के जोड़ पर धीरे से विश्राम इस तरीके से जितने भी शरीर के जोड़ होते हैं ऊपर से लेकर नीचे तक इनको हम संकुंचित प्रकुंचित करते हैं रोटेट करते हैं और संतुलन में स्थापित करते हैं इसके बाद हम किसी आसन करने की स्थिति में होते हैं अगर हम अचानक आसन शुरू कर देंगे तो शरीर में अगर लचीलापन नहीं है तो जोड़ों में दर्द हो सकता है खिंचाव हो सकता है जिससे हमारे आसन करने की गति रुक सकती है इसलिए जब भी आप सब लोग योगासन की शुरुआत करें उसके पहले सूक्ष्म व्यायाम करें शरीर श्वास मन तीनों को आपस में जोड़ें अब हम बात करते हैं आसन की तुम्माने आमाने अभ्यास सामाने संयम नामाने निरंतर जो अभ्यास संयम के साथ निरंतर किया जाए वो आसन है आसन व्यायाम में क्या अंतर है जैसे लोग पूछते हैं हम तो व्यायाम करते हैं तो आसन क्यों करें आसन व्यायाम में ये अंतर है व्यायाम जब करते हैं तो श्वास पे हम लयबद्धता रखने की जरूरत नहीं होती हमारा मन कहीं है उसको जोड़ने की जरूरत नहीं होती आसन एक संयम की प्रक्रिया है कैसे हमारे शरीर में संयम स्थापित हो महर्षि पतंजलि जी कहते हैं योगस्य चित्त वृत्ति निरोधा चित्त की वृत्तियों का निरोध कर देना ही योग है तो ये आसन से भी संभव है जब हम आसन सही तरीके से करते हैं तो महर्षि पतंजलि कहते हैं तत्वद्वंदा अनुविघात जितने द्वंद्व हैं जीवन के वो आसन करने से समाप्त हो जाते हैं तो आज हम एक आसन सीखेंगे एक आसन नहीं आसन की एक सीरीज है सूर्य नमस्कार आप सब लोग जानते होंगे भारत की प्राचीन जीवन पद्धति का एक अहम हिस्सा रहा है जब बालक गुरुकुल में जाता था पढ़ने के लिए उपनयन संस्कार में तो सूर्य नमस्कार सिखाया जाता था हम लोग भी जब बचपन में पढ़ते थे विद्यालय स्कूलों में सूर्य नमस्कार एक अनिवार्य रूप से चालू था लेकिन धीरे धीरे ये हमारी नहीं है आज शिक्षा पद्धति का एक अंग तो ये जीवन, हमारे जीवन शिक्षा हमारे मूल्यों के साथ जुड़ा हुआ सूर्य नमस्कार था सूर्य नमस्कार करने से क्या होता है हमने बताया आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे ये शरीर के अवस्थ स्थितियाँ होती हैं अगर ये नहीं करते तो शरीर में कड़ापन आने लगता है भारीपन आने लगता है मोटापा आने लगता है ब्लड सर्कुलेशन की गति ठीक से नहीं होती है श्वास प्रश्वास की गति सही न होने से श्वास की समस्याएँ होने लगती हैं तो सूर्य नमस्कार जब करते हैं तो इसमें बारह स्थितियाँ होती हैं सात आसन होते हैं पाँच को हम रिपीट करते हैं साथ आसन करते हैं जब हम इसको श्वास के साथ करते हैं तो ये प्राणायाम हो जाता है आसन और प्राणायाम हो जाता है जब हम इसको मंत्र के साथ करते हैं तो आसन प्राणायाम और ध्यान हो जाता है तो सूर्य नमस्कार बहुत ही वैज्ञानिक प्रक्रिया है आसन और अच्छे से कैसे हो, इसके लिए ज़रूरत है कि सूर्य नमस्कार को अच्छे तरीके से किया जाए तो अभी हम सीखेंगे सूर्य नमस्कार सूर्य मतलब क्या हमारे देव ऊर्जा का पुंज तेज प्रकाश तो जब सूर्य नमस्कार करते हैं तो लाभ अनंत है जब जीवन में ऊर्जा आता है प्रकाश आता है तो जीवन अपने आप खिलने लगता है तो सूर्य नमस्कार करने से जीवन अपने आप आनंद की राह पकड़ ही लेता है और लाभ तो अनंत है तो इसलिए सूर्य नमस्कार करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं हम खड़े हो जाते हैं सबसे पहले हम जो हमारी मैट्स है योगा मैट्स तो दोनों पैरों को साम आसपास लेके खड़े हो जाते हैं हथेलियाँ जो हैं अपने जंघा के पास पेट अंदर की तरफ छाती बाहर की तरफ श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर लेके जाएंगे प्रथम अवस्था इसको बोलते हैं नमस्कार मुद्रा दूसरी अवस्था श्वास भरते हाथ ऊपर कान से लगे हुए पीछे की तरफ हस्त उत्थान आसन श्वास छोड़ते धीरे धीरे नीचे जाएंगे दोनों हाथों को अपने पैरों से जोड़ेंगे पाद हस्तासन चौथी अवस्था अश्व संचालन पांचवी अवस्था दंडासन कमर न ऊपर नीचे एक सीध में छठा अष्टांग नमस्कार आठ अंग अपने जमीन पर कमर का भाग ऊपर सात पीछे से फ्लैट गर्दन पीछे की तरफ आठ पर्वतासन नौ जिस पैर से गए थे वो पैर आगे पंद्रह उंगलियां एक सीध में गर्दन पीछे की तरफ दस हस्तासन ग्यारह श्वास भरते हाथ फिर ऊपर हस्त आसन नमस्कार ये बारह आसन का सेट होता है जब ऊपर की तरफ जाते हैं तो श्वास लेते हैं नीचे की तरफ जाते हैं तो श्वास छोड़ते हैं इस बार हम मंत्र के साथ करेंगे श्वास भरते हुए धीरे धीरे हाथ ऊपर प्रथम अवस्था प्रणामासन ओम मित्राय नमः श्वास भरते धीरे धीरे हाथ ऊपर हस्त उत्थान आसन ओम रवे नमः श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे ओम सूर्याय नमः इस बार दूसरे पैर से जाएंगे एक बार दाएं पैर से दोबारा बाएं पैर से पंद्रह उंगलियां एक सीध में गर्दन ऊपर ओम भानवे नमः दंडासन दोनों पैर जुड़े हुए हथेलियां जमीन पर कमर न ऊपर नीचे ओम खगाए नमः नमह अष्टांग नमस्कार ओम नमः सात भुजंगासन ओ हिरण्यगर्भाय नम आठ पर्वतासन ओम मरीचे नम नौ अस्त ओम अदित्याय नमः दस हस्तासन ओम सवित्रे नमः, केरा हस्तुत्थान ओम अर्य नमः, ओम भास्करय नमः। इस तरीके से यह हमारी बारह स्थितियाँ होती हैं बारह आसनों के नाम होते हैं और बारह मंत्र होते हैं। तो सूर्य नमस्कार हमारे प्रयोगात्मक का एक अहम हिस्सा है चाहे एम योगा हो चाहे पी जी डी वाई हो डी वाई हो सी सी वाई हो यह हर हमारे प्रैक्टिकल के भाग में एक हिस्से के रूप में रखा गया है तो एक बार हम पूरी लय के साथ करते हैं आप सब इसको देखिएगा फिर अपने से करिएगा ओ मित्राए नमः ओम रवे नमः ओम सूर्याय नमः ओम भानवे नमः ओम खगाए नमः ओम पूषणे नमः ओम हिरण्यगर्भाय नमः ओम मरीचे नमः ओम आदित्ये नमः ओम सवित्रे नमः ओम अर्काय नमः भास्कराये नमः। शुभ नमस्कार होने के बाद धीरे से आराम से अपनी जगह पर बैठ जाएंगे आंखें बंद कर लेंगे आराम से लंबी गहरी सांस लेते रहेंगे और छोड़ते रहें महसूस करते जाएं। हर अंदर जाती श्वास हमें ऊर्जा और हर बाहर जाती श्वास हमें विश्राम प्रदान कर रही है पूरा ध्यान अपनी श्वास प्रश्वास पर जो भी ऊर्जा बनी है शरीर में वो पूरे शरीर में अपने से व्यवस्थित हो जाएगी सूर्य नमस्कार करने के बाद तुरंत घूमने नहीं लगना निश्चित रूप से या सवासन में विश्राम करना है या बैठ के विश्राम करना है बस शरीर को ढीला छोड़ते चले जाएंगे, एक एक अंगों को विश्राम देंगे आसन के साथ हम मंत्र को जोड़ते हैं तो आसन में और पावर आ जाते हैं इसलिए सूर्य नमस्कार के बाद हम मंत्र योग भी कर सकते हैं हम ग्यारह बार सत्यम परम धीमही की चैंटिंग्स करेंगे जिससे ऊर्जा अपने आप बैलेंस हो जाएगी पूरे शरीर में प्रतिस्थापित हो जाएगी सत्यम परम धीमही, सत्यम परम धीमही। सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमही सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धी आसपास के प्रति सजग होते होते जब भी इच्छा करेगी धीरे से आंखें खोल लेंगे तो सूर्य नमस्कार श्वास के साथ मंत्र के साथ और विश्राम ये तीन अवस्थाएं हैं सबसे पहले स्थिति फिर श्वास की गति फिर मंत्र और उसके बाद विश्राम करना इस लय में जब हम सूर्य नमस्कार करते हैं पूरा शरीर वाइब्रेट हो जाता है हर कोशिका एक्टिवेट हो जाती है जो भी शरीर में टॉक्सिन्स विषक्त द्रव्य है वो टूट जाता है और श्वासों के माध्यम से बाहर जाता है हमारे शरीर के जो विषक्त द्रव्य होते हैं 90 परसेंट सांस के माध्यम से बाहर जाते हैं 10 परसेंट माल मात्र मलमूत्र के माध्यम से जाते हैं तो जब हम जो भी जोड़ होते हैं वहीं सारे टॉक्सेंस रुकते हैं देखिए कीड़े वही होते हैं जहाँ कूड़ा होता है तो अगर शरीर में कूड़ा नहीं है विषक्त द्रब नहीं है तो कोई कीड़ा नहीं आ सकता कोई वायरस नहीं आ सकता आज जो भी समस्याएं आ रही हैं ऐसे लोगों के साथ ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है जो प्राकृतिक जीवन नहीं जीते हैं श्रम प्रधान जीवन नहीं है उन लोगों के जीवन में ये सारी समस्याएं आती हैं इसलिए सूर्य नमस्कार सूक्ष्म व्यायाम ऐसी सारी गतिविधि करने से हमारे शरीर में किसी प्रकार का कोई भी वायरस इफेक्ट नहीं कर सकता अच्छा अभी हमने सूर्य नमस्कार सीखा आज जो आसन का सत्र है इसमें हम एक और क्रिया सीखेंगे कुछ आसन पेट के बल के कुछ पीठ के बल के कुछ बैठ के तो ये बड़ी वैज्ञानिक प्रक्रिया है जिस तरीके से सूर्य नमस्कार बहुत ही वैज्ञानिक और गुरुकुल पद्धति से चली आ रही प्रक्रिया है इसी तरीके से ये जो पद्म साधना है ये परम पूज्य श्री श्री रविशंकर जी द्वारा एक नई वैज्ञानिक प्रक्रिया बनाई गई है जो हमारे पूरे चक्रों को इफेक्ट कर रही है जो हमारे सात चक्र होते हैं मूलाधार स्वादिष्ठान मणिपुर अनाहत विशुद्धि आज्ञा और सहस्रार ये सातों चक्रों को वाइब्रेट करता है ये सारे चक्र हमारी ग्लैंड से भी जुड़े होते हैं थायराइड पैराथायराइड एड्रेनल थाइमस इनके अनबैलेंस से जीवन बहुत दुखद हो जाता है तो जब hmm. हम ये पद्म साधना करते हैं तो सारे चक्र वैलेंस हो जाते हैं एक्टिवेट हो जाते हैं पद्म मतलब कमल जैसे जैसे सूरज का प्रकाश आता है वैसे कमल खिलता है जैसे जैसे सूरज का प्रकाश जाता है वैसे कमल मुरझाने लगता है इसी तरीके से हम सबके जीवन में भी होता है जब ऊर्जा भरी रहती है तो खुशी प्रेम आनंद होता है जैसे ही ऊर्जा डाउन हो जाती है जीवन से कम हो जाती है तो वही सारी चीज़ें हमें अच्छी नहीं लगने लगती तो जब हम पद्म साधना करते हैं तो हमारी ऊर्जा फिर से खिलती है इसके लिए कुछ आसन है पेट के बल कुछ पीठ के बल कुछ बैठ के ये पूरी एक ध्यानात्मक प्रक्रिया है आसन की और बहुत ही वैज्ञानिक है तो आज हम आसन के साथ इसको भी सीखेंगे ये सारे आसन हमारे प्रयोगात्मक में हमारे जितने भी विश्वविद्यालय के कोर्स चलते हैं उनमें सारे ये आसन हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं या तो अर्ध पद्मासन में बैठ जाते हैं या पूर्ण पद्मासन में बैठ और बॉडी रोटेशन करते हैं बॉडी रोटेशन करने के लिए क्या करते हैं पहले शरीर को पीछे ले जाते हैं और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे ले जाते हैं पूरे शरीर को घुमाना श्वास भरते हुए बीच तक ऊपर आएंगे और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे फिर श्वास छोड़ते धीरे धीरे नीचे श्वास भरते ऊपर छोड़ते हुए नीचे इसी तरीके से हम दूसरी तरफ से करेंगे दूसरी तरफ से धीरे से अपनी जगह पर बैठ जाएंगे तीन बार दाएं तरफ से तीन बार बाई तरफ से पाँच बार भी कर सकते हैं अपने समय और अपनी शारीरिक स्थिति को देख के हाँ आसन प्राणायाम में ये ध्यान रखना है अपनी शारीरिक स्थिति को ही देख के करना है जबरदस्ती बिल्कुल भी नहीं धीरे धीरे अपने आप हाँ होने लगेंगे अब इसके लिए सबसे क्या करते हैं धीरे से दोनों पैरों को छोड़ते हैं और अपने पेट के बल आ जाते हैं दोनों हाथ अपनी जंघा के पास हथेलियां आसमान के खुली हुई टूडी जमीन पर दोनों पैर जुड़े हुए अब करेंगे हम अर्ध भाषण एक पैर को जंघा से ऊपर उठाएंगे श्वासें लेंगे उज्जयी श्वासे छोड़ेंगे लंबी गहरी श्वासें लेते रहें, छोड़ते रहें, विश्राम इसी तरीके से हम दूसरे पैर से करेंगे बाएं पैर से अब हम आदि मुद्रा बनाएंगे अंगूठा अंदर मुट्ठी बंद दोनों जंघा के नीचे रख देंगे और एक साथ दोनों पैरों को ऊपर उठाएं धीरे धीरे छोड़ दें विश्राम करें अब हम करेंगे भुजंगासन श्वास भरते धीरे धीरे नाभि तक का पूरा क्षेत्र ऊपर दोनों पैर आपस में जुड़े हुए लेते रहें छोड़ते रहें धीरे धीरे नीचे श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को सामने और करेंगे विपरीत नौकासन धीरे धीरे विश्राम धनुरासन दोनों पैरों को घुटने को पकड़ लेंगे और एक साथ श्वास भरते हुए गर्दन पैर ऊपर सुहासे लेते रहें छोड़ते रहें धीरे धीरे विश्राम पेट केवल विश्राम हम लोग मकर आसन से करते हैं पीठ के बल सवासन से धीरे से हम अपनी पीठ के बल आ जाएंगे दोनों हाथों को अपनी जंघा के ऊपर रखें अब करेंगे नौकासन एक साथ एक लय में पैर का पंजा श्वासें लेते रहें छोड़ते रहें धीरे धीरे नीचे अब हम करेंगे अर्ध पौन मुक्तासन दाएं पैर के घुटने को दोनों हाथ के पंजों से पकड़े श्वास भरते हुए लेके आएंगे और श्वास छोड़ते हुए अपने चिन्ह को अपने घुटने से स्पर्श कराएं, दूसरा पैर सीधा विश्राम दूसरे पैर से करेंगे विश्राम दोनों पैरों को लेके आएंगे एक साथ जोड़ के और अपने घुटने से स्पर्श कराए हैं अब हम करेंगे सर्वांगासन जो लोग सर्वांगासन कर सकते हैं वो सर्वांगासन करेंगे जो लोग नहीं कर सकते वो सेतुबंद तो पहले हम आसन देख लेंगे दोनों पैरों को मोड़ के लाए अब अपनी कमर के भाग को ऊपर की तरफ उठा देते हैं दोनों हाथ के पंजे से पैर की एडी को पकड़े हैं धीरे धीरे वापस कमर को रख देंगे यह हमारे रीढ़ की हड्डी के लिए बहुत ही लाभदायक है अब हम करेंगे सर्वांगासन सर्वांग मतलब सारे अंगों का आसन एक साथ ऊपर। से लेते रहें छोड़ते रहें धीरे धीरे वापस अब हम करेंगे नटराज आसन दोनों हाथों को अपने कंधे के समान फैलाएंगे दाएं पैर का घुटना मोड़ के बाएं पैर के पैर मोड़ के बाएं पैर के दाएं पैर का पंजा बाएं पैर के घुटने पर रखे हैं एक तरफ पैर को ले जाएंगे दूसरी तरफ गर्दन विश्राम इसी तरीके से दूसरी तरफ से करेंगे विश्राम सवासन में विश्राम धीरे से उठ के बैठ जाएंगे दाहिनी करवट लेते हुए अब हम करेंगे अर्ध मत्स्येंद्र आसन दोनों पैरों को फैला लेंगे पैर को मोड़ के अपनी जंघा के पास दूसरे पैर को पंजा घुटने के पास जो पैर है उसका विपरीत तो हाथ ऊपर लेके जाएंगे और अपने पीछे की तरफ देखेंगे आसन हमारे प्रिया को एक्टिवेट करता है धीरे धीरे विश्राम करेंगे दूसरे पैर से विश्राम करेंगे पर्वतासन अर्ध पद्मासन या पूर्ण के श्वास भरते हुए धीरे धीरे हाथों को ऊपर श्वास लेते रहें छोड़ते रहें शरीर श्वास मन तीनों को जोड़ें अपने साथ में धीरे धीरे विश्राम योग मुद्रा करेंगे दाएं हाथ का अंगूठा अंदर मुट्ठी बंद पीछे से बाएं हाथ से इसे पकड़ लेंगे श्वास भरते पीछे श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे श्वास लेते रहें छोड़ते रहें श्वास भरते हुए धीरे से विश्राम अब करेंगे नाड़ी शोधन बाएं हाथ की मुद्रा बनाएंगे और दाएं हाथ की प्रणों अंगूठा दाई नाशिका पर दो उंगलियाँ बगल की मध्यमा तर्जनी दोनों भंगों के बीच में और छोटी उंगली उसके बगल की बाई नाशिका पर बाई नाशिका से श्वास लें दाई से छोड़ेंगे दाएं से लें 晚是穿嘞。 करें। समस्ता ओम शांत शांत अपने आसपास वातावरण परिसर के प्रति अपने शरीर श्वास मन के प्रति सजग होते होते अपनी आँखें सकते हैं तो आज हमने सूक्ष्म व्यायाम सूर्य नमस्कार पद्म साधना जो कुछ आसनों का पद्म साधना कुछ आसन पेट के कुछ बैठ के कुछ लेटे सूर्य नमस्कार पूरे शरीर को बैलिस्ट बनाता है पूरे शरीर में सर ब्लड सर्कुलेशन पूरे शरीर में चलता है शरीर के अंतर अंगों की मालिश मसाज होती है पद्म साधना हमारे सूक्ष्म में जो चक्र होते हैं उनको बैलेंस करता है एक्टिवेट करता है तो आसन करने से महर्षि पतांजलि कहते हैं तत्व द्वंदान विघाता। सारे जीवन के द्वंद्व समाप्त हो जाते हैं अगला जो भाग होगा इसी सीरीज का तो हम प्राणायाम क्या है देखेंगे फिर उसके अगली सीरीज में हम लोग सटकर्म फिर मुद्राबंध नादानुसंधान ये सारे अभ्यास प्रयोगात्मक के सीखेंगे आप सब लोगों ने अच्छे से देखा आप सबको नमस्कार